अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जा रहा था मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ग्रेब में, अपने एरिया से थोड़ा दूर है ज़ग्रेब, तो दिखाते हैं आपको मस्जिद कैसी होगी। कितनी खूबसूरत मस्जिद है, क्या बस का टाइमिंग होता है हम लोग का वहाँ पर। ठीक है, ज़ग्रेब भी दिखाएंगे आपको आसपास का कैसा एरिया है। ये फ़िलहाल मेरा बस स्टॉप है। ये बस स्टॉप है, इधर ट्राम का बस स्टॉप है ना। टिकट मैंने साथ से लिया था, देख रहे हो, और टिकट सिंगल टिकट लिया फिलहाल। डायरेक्शन के लिए गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल बैठा हूँ ट्राम स्टॉप में और ट्राम आने वाला है। तो मेरे को तो ये स्टॉप में आने का था, मैंने मैप में देखा कि यहाँ देख लगता है ये मस्जिद के पास वाला स्टॉप है। ठीक है, फिर उसमें मशीन थी पंच करने के लिए, तो देखो ऐसा स्टॉप में आपको रुकना पड़ेगा। फिर ये 12 मिनट का वॉक दिखा रहा है, तो मैं वॉक करके जाऊँगा। तो मस्जिद तो बहुत पास में है, देख रहे हो मीनार शायद दिख रही होगी, और आपको जुमे का नाम इसका टाइम बताएं कितने बजे थे वहाँ। तो ये पूरा मस्जिद का एरिया देखो, बहुत अच्छा गार्डन बना के रखा है इन्होंने। यहाँ भी अच्छा गार्डन बना के रखा है। इसके बाद ये वॉशरूम एरिया है, ये गुम्बद है, देख रहे हो, अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है पूरा एरिया। ये मस्जिद है भाई, ज़ग्रेब सेंट्रल मस्जिद बोलेंगे इसको, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पर। नीचे है ना, नीचे आपका एबोल्यूशन रूम है, ऑलरेडी पूरा डायरेक्शन देकर रखा है। स्वागत है वीडियो में। पता है मस्जिद बहुत ही प्यारी थी, और दिखने में लग रहा छोटी मस्जिद है, मगर अंदर स्पेस बहुत ही अच्छा है मस्जिद का, और बहुत कंट्री के लोग यहाँ आते हैं, तो एक मज़ा आता है यहाँ पे आके। अगर आप लोग भी आते हैं तो आपको भी एक अच्छी मतलब डिफरेंट फीलिंग रहेगी, जैसे अपनी कंट्री में आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, उससे भी बेहतर मतलब फीलिंग रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंट्री के भी लोग यहाँ पे आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बहुत ही मतलब यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट भी एक है, और रेस्टोरेंट में हलाल फूड मिलता है, तो मैं कुछ देर बाद वहाँ जाऊँगा। मैंने सोचा चलो कम से कम आपको अपडेट दे दूँ इस बारे में। और फिलहाल तो मैं ऐसे गार्डन में बैठा हुआ हूँ, और बस यही है कि मस्जिद बहुत प्यारी है। जमात जो थी, जमात जुमे की जमात का टाइमिंग 1:30 बजे का था, जो आगे हाफिज़ कुरान हो या उनके लिए भी कम्पिटिशन है। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहो उस तरह पढ़े, और अगर आपकी आवाज़ की रात बहुत अच्छी रहेगी तो आपको मतलब इनाम भी कुछ मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे मतलब माहौल बहुत अच्छा है भाई यहाँ पे। अगर आप लोग आओगे मस्जिद में तो ऐसा जो है कि नमाज भी पढ़ो, उसके बाद कुछ देर बैठो। बाकी तो आपको पता ही होगा ज़ग्रेब का जो जो क्रोएशिया का मौसम बहुत ही खूबसूरत रहता है, बहुत ही प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा है मतलब मौसम। ज़ग्रेब जो बस स्टेशन है ना,
उसके जो है कि वॉक करके भी आ सकते हैं, आधा घंटे का टाइम लगेगा, नहीं तो आप ट्राम पकड़ के आ जाओ अच्छा रहेगा। 3 स्टॉपेज लग रहे हैं स्टेशन पर, 3 स्टॉप आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और मेरी आवाज़ आपको स्लो आएगी क्योंकि मेरे पास एक्चुअली माइक नहीं है, ठीक है ना। और प्लस क्या, यहाँ की जो हवा है ना बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है। पेड़ देख रहे हो, पेड़ कितना देखो, तेज़ हवा चलती है। अगर आपको मौका मिले यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ने का, तो यहाँ पे आए नमाज़ पढ़ने। और यही कहूँगा कि 1:30 बजे की जमात है, आप कोशिश करें आप पहले आए और अपने जो है ना शफ में बैठे, मतलब मस्जिद के अंदर बैठे। धूप का मौसम है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सुनते रहे कि बारिश का मौसम रहेगा, सर्दी का मौसम रहेगा, बाहर पड़ने में परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप अपने टाइम से आएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। मैं भी अपने टाइम से आया था, तकरीबन 12 बजे मस्जिद में पहुँच गया था। उसके बाद आसपास में कुछ हलाल शॉप भी है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं भी जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में पहले खाना खाने के लिए, फिर आप लोगों से बात करेंगे। मैंने ये मंगाया था इसमें मतलब कबाब, कबाब है 20 का, 8 किलो का दिया है। और यह तुम्हारा जूस जूस भी लेना का अच्छा है, होटल का सीरे में अपना काम होना अच्छा है। हाँ दो लिया, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि इसमें है ना मेरा पास माइक भी नहीं है और आवाज़ पता नहीं बहुत ज़ोर से आ रही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।